पब्लिक टीवी आपकी आवाज। भारतीय जनता पार्टी का 42वां स्थापना दिवस पार्टी के समस्त पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के द्वारा पूरे देश में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज मुरादाबाद में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा पदयात्रा निकाली गई और उसमें रथ पर सवार भारत माता की स्मृति स्वरूप झांकी भी शामिल की गई। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से शुरू हुई पदयात्रा क्षेत्र में विभिन्न मार्गों से होते हुए वापस बीजेपी ऑफिस पहुंचकर संपन्न हुई। इस दौरान कैबिनेट मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर शैफाली चौहान, महापौर विनोद अग्रवाल, विधायक रितेश गुप्ता के साथ क्षेत्रीय महामंत्री हरिओम शर्मा और महानगर अध्यक्ष धर्मेंद्र नाथ मिश्रा के साथ भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी के 42वें स्थापना दिवस के अवसर पर कैबिनेट मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह ने बोलते हुए कहा कि ये बहुत खुशी की बात है कि आज हमें पार्टी का 42वां स्थापना दिवस मनाने का अवसर मिला है। ये पार्टी वो पार्टी है जो समाज के हर व्यक्ति के हित में कार्य करती है और समाज तथा देश को तरक्की के लिए आगे करती है। इस अवसर पर चौधरी भूपेंद्र सिंह ने बीजेपी के स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं भी दी। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है और मैं अभिनंदन करता हूँ अपने हमारे महान संस्थापकों में जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की इस विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम किया है। और आज हम लोग एक वटवृक्ष के रूप में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। आज देश में सबसे ज़्यादा विधायक सांसद भाजपा के हैं, केंद्र में सरकार भाजपा की है, अधिकांश राज्यों में भाजपा की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी लोक कल्याण के जो भी काम है, जनता से जुड़े जो भी काम है, जनता की, प्रदेश की, देश की, जनता की बेहतरी के लिए हम सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के आज स्थापना दिवस में 42 स्थापना दिवस के अवसर पर मैं सभी देशवासियों को, भारतीय जनता पार्टी के असंख्य कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं देता हूँ। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।